तो राम राम गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पहल ब्लॉग। बहुत जरूरी बात करनी थी और थोड़ी खुशी भी है, थोड़ी के बहुत ज्यादा खुशी है यार। जो हर यूट्यूबर जिस चीज का सपना देखा करना है, आज वो मेरे साथ हो गया। मतलब मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया है। तो पहले तो सबसे पहले माफी चाहूंगा ना, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सारे का बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद भाई। आपने इतना सपोर्ट कराया और सपोर्ट करते रहो। वो तो सिर्फ एक मोनोटाइज के लिए था, लेकिन असली कंटेंट, असली जो दिमाग में है जो चीज़, वह तो ईब लिकड़ के शामी आओगी। जड़ आप ही जाना चाहो, जो आप ही करना चाहो, हाँ वो तो ईब लिकड़ेगा शामी। वो तो आपने ईब देखने ना मिलेगा, यानी कि ईब मतलब ईब आगे जो वीडियो मिलेगी, बढ़िया वीडियो और बढ़िया चीज, बढ़िया हंसी मजाक जो भी होगा, प्योर होगा बिल्कुल। तो माफी इसलिए चाहूंगा कि बोलना बहुत गणी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई, मतलब 30-40 मिनट की, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके देखी है, अच्छा व्यू आए हैं उन भी। तो घुमाएंगे दुनिया में, घुमावांगे, सही गलत भी बतावांगे, आपने बहुत कुछ दिखावांगे। तो बहुत गणे कंटेंट दिमाग में है कि यो करना, यो करेंगे, यो करेंगे, यो करेंगे, यो करेंगे, इस पर वीडियो बनाओगे, इस पर वीडियो बनाओगे। लेकिन सबसे पहला दिमाग में यो था कि एक बार चैनल मोनोटाइज हो जाए, उसके बाद बनावांगे यार। तो मेरा चैनल जो है 90 दिन में मोनोटाइज हो गया, और मेरा टारगेट था 2 महीने का, 30 दिन लेट हो गए। लेकिन मैं अमित बोस का जो गया था मीटअप में, उसमें मन यूट्यूबर मिले जो 1-1 साल तक मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनावा है, फिर भी उनका चैनल मोनोटाइज को नहीं, और उसके अलावा भी वे मेहनत कर रहे हैं, मोनोटाइज होने के बगैर भी वे मेहनत कर रहे हैं डेली। सलाम है भाई उन भैया ने। तो यार यही कहना चाहूँ था मैं आपने। और बहुत घनी वीडियो थी जो मैंने छोड़ दी, क्योंकि एट ओ टाइम नहीं डालन पाया, और एट ओ टाइम नहीं डालने का कारण उन पर व्यू आज भी को नहीं आवे, आज भी को नहीं आवे उन पर व्यू। और चलो फिर डाल लूँ तो काम है, क्यों सोच रहा था यार, अमित बोस का मीटअप मंगाया था, जो सोच रहा था कि 14-15 जनवरी को चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद मैं उसने उस पर वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आज 8 फरवरी है और आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मैं आकर ने सिस्टम खोल कर देखा, चैनल खोल कर देखा, तो वो ही था जिसका मैंने इंतज़ार था। वही मेल आ रही थी, जिस मेल का हर यूट्यूबर ने इंतज़ार रहा है, वो इंतज़ार मनने भी था। तो चलो ईब देखियो, आपने देखने में मिलेंगे शिमला के जो लोग थे, शिमला जो गए थे, वे लोग देखने में मिलेंगे आपने। तो बड़े बहुत गणा फन कराया था भाई, वो ही फन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, 1 सब्सक्राइब तो आपका कुछ जानता नहीं, 10 सब्सक्राइब है तब कुछ को जानता आपका। और इस गरीब का थोड़ा भला हो जाओगा, थोड़ा मोटिवेट मिल जाओगा। और एक इतना बड़ा मोटिवेट दे रखा है, मतलब 104 लाइक है वीडियो पे और 1 भी डिसलाइक को नहीं, इससे बड़ा सपोर्ट के चाहिए मैंने आपका। तो आज जोड़ के और दिल तक धन्यवाद सारे भाइयों का कि इतना आपने सपोर्ट कराया और करते रहो। ये शुरुआत ईब, ये तो जो पीछे देखा है ना, वो ट्रेलर भी कौन था, वो पिक्चर का नाम था और पिक्चर ईब स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो चलो यार एक तो यार दिल तक धन्यवाद आप सारे का, और वीडियो ना पूरी देखा करो एंड टू एंड, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, गलत चीज़ कौन मिला, कुछ भी गलत कौन मिला। बच्चे देखो, बड़े देखो, बूढ़े देखो, दादी देखो, ताई देखो, जो भी देखो दिल तक देखो, और लाइक जरूर ठोक दियो और कमेंट जरूर कराया करो यार वीडियो का नीचे, क्योंकि कमेंट तो एक मेरा मोटिवेट मिला है और मैंने ये भी पता चला कि कौन सपोर्ट करे है, कौन स्वाद ले है, कौन साथ दे है, जो भी तो पता चला है। तो अपना देखने मिलेंगे शिमला के व्लॉग इस वीडियो का, जो बाद आऊँगी 4-5 वीडियो आऊँगी शिमला की, और बर्फ़ का मज़ा, बर्फ़ में कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखने मिलेगा, के लेकर जाना चाहिए के कुछ हुआ है, कितने कित मम्मी गए थे, के क्यों आया था, और 9 जनवरी ने गए थे, आज 8 है, मतलब 1 महीने बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, देख लो। तो चलो यार इस वीडियो ना ज़्यादा लंबी ना खाँचते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि शिमला के व्लॉग। तो चैनल पर नहीं तो चैनल ठोक दो सब्सक्राइब, वीडियो ने लाइक कर दो और कमेंट जरूर करो यार, कम से कम अपना नाम का कर दो, कुछ भी कर दो यार, जो भी करो, बस मन नहीं मेरा, कमेंट कर दो यार। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।